और आज सरकार कह रही है कि हम इजराइल के साथ, कि जिस तरह हमारे देश में हम लोग इस देश के मूल निवासी दलित पिछड़े आदिवासी और जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं वो जो बेबस लाचार हो रहे हैं अपने देश में वोट होते हुए भी, इसी तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा किया, तो मैं क्यों कहूं मैं इजराइल के साथ, मैं हर एक कमजोर के साथ हूं और मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, मैं गारंटी से कहता हूं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इजराइल दिखाई दिया, उनको मणिपुर दिखाई नहीं देता, और मणिपुर छोड़िए पूरे देश में जो कमजोर वर्गों पर हिंसा हो रही है वो दिखाई नहीं देती उनको। सरकारी कर्मचारी बड़ा आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में कि हमें पेंशन दो, नौजवान सड़कों पे है, रोजगार नहीं है, महंगाई बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है, कोई कहने वाला नहीं है, और आज सरकार कह रही है कि हम इजराइल के साथ। आप ये जानते हो अगर आपने इतिहास पढ़ा, और मेरा जमीर इस बात की गवाही देता है कि हमें हमेशा कमजोरों के साथ खड़ा होना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने वालों के साथ खड़ा होना चाहिए। आप इतिहास उठा के देखो, अगर आप ये बात जानने का प्रयास करोगे इजराइल और फिलिस्तीन को, तो आपको पता लगेगा कि जिस तरह हमारे देश में हम लोग इस देश के मूल निवासी दलित पिछड़े आदिवासी और जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं वो जो बेबस लाचार हो रहे हैं अपने देश में वोट होते हुए भी, इसी तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा किया और फिलिस्तीन के लाखों लोगों को बंदी बनाया और फिलिस्तीन को अपने देश में वहां के लोगों को मरने के लिए मजबूर किया। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, मगर आप ये बताओ अगर वहां फिलिस्तीन की लड़ाई गलत है तो देश ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ वो कहां सही है, आप बताओ। यहां भी तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने अपने प्राणों के बलिदान दिए, उनकी यूनिट ने प्राणों के बलिदान दिए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसको आजादी के लिए अंग्रेजों से। अगर आज उस बात को वो लोग गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं तो मैं क्यों कहूं मैं इजराइल के साथ, मैं हर एक कमजोर के साथ हूं और मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, मैं गारंटी से कहता हूं। क्योंकि अगर किसी का हक छीनेगा वो चुप नहीं बैठेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि सरकार अपने निजी स्वार्थों के चक्कर में विदेश पॉलिसी खराब ना करे। आप अटल जी का बयान सुनना, अटल जी फिलिस्तीन के साथ थे, नेहरू जी फिलिस्तीन के साथ थे, इंदिरा गांधी फिलिस्तीन के साथ थी, और आज की सरकार इजराइल से वो उनकी जांच एजेंसी है जिससे हमारे नेताओं के अकाउंट खंगलवाने हैं, उनके फोनों में क्या ये दिखवाना है, उनकी इंक्वायरी करवानी है अपने निजी संबंधों को बचाए रखने के लिए, अपने देश की फॉरेन पॉलिसी खराब कर रहे हो। चाइना का मुकाबला करो अगर तुम में दम है प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ खड़े हैं, चलो चाइना की तरफ आगे बढ़ो, चलो कूच करो, हम देखेंगे आप में कितना दम है, आज से पहले गोली हम खाएंगे, ये देश हमारा है, इस मुल्क के लिए शहादत हम सहेंगे। लेकिन अगर आप देश से गद्दारी करोगे तो ये होने नहीं देंगे, हम इस बात को याद रखना। पूरी भीम आर्मी, पूरी आज समाज, आज समाज पार्टी शोषितों वंचितों मजलूमों के साथ खड़ी है। और आप इतिहास जानते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, चाहे पहलवानों का मसला हो, चाहे किसानों का मसला हो, चाहे सीएन पर एनआरसी का मसला हो, कोई ऐसा मसला नहीं जिसमें हमने कमजोरों का साथ नहीं दिया।